पेड़वा तुलसीपुर शिक्षा क्षेत्र के बिशनपुर विश्राम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तुलसीपुर राम शरण गुप्ता और विशेष अतिथि तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर मिथिलेश नाथ योगी ने जिला स्तरीय खेलकूद का प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। शासन के निर्देश पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में बालक बालिका में लंबी कूद, ऊंची कूद, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लंबी कूद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। विद्यालय बिशनपुर विश्राम के बालक और बालिका वर्ग में प्राथमिक विद्यालय बिशनपुर विश्राम के हेमंत कुमार प्रथम रहे और इसी क्रम में दौड़ और कबड्डी, बॉलीवुड, खो खो खेलकूद प्रतियोगिता में अव्वल बच्चों को सम्मानित किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए खेलकूद बहुत जरूरी है। खेलकूद से न केवल प्रतिभा में निखार आता है बल्कि बच्चों को स्वस्थ और निरोगी भी रखते हैं। और इनके प्रतिभाओं को निखारने के लिए आज ये खेल का जो कार्यक्रम रखा गया है ताकि थारू जनजाति के बच्चे जो है आगे भविष्य में स्टेट लेवल तक जो है कि ये खेलकूद का प्रोग्राम कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्षेत्र के सभी लोग और थारू जनजाति के खास तौर से जो बच्चे हैं इन सब का भविष्य उज्ज्वल होगा और माई से प्रार्थना है कि इनका भविष्य उज्ज्वल रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।